Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, सिंगल बैंड, डबल बैंड, AC राउटर, AX राउटर, गीगाबिट पोर्ट, ये सब क्या है? आपने राउटर खरीदने और आप परेशान हैं कि कौन से वाला, कितने वाला, कैसे और कहां से खरीदें? तो आज आप सही जगह पहुंच गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यूसुफ चुगताई और साइंस स्टूडियो में आप सबको करते हैं खुशामदीद, जहां आपको मिलते हैं इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स के ऑनेस्ट रिव्यूज और बहुत कुछ। इंटरनेट के बगैर आजकल गुजारा काफी मुश्किल है और इंटरनेट पर अब सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि बहुत सी स्मार्ट डिवाइसेस, घर की अप्लायंसेस का भी इंहिसार है, जिसकी वजह से हमें घर और ऑफिस के हर कोने में इंटरनेट चाहिए और वक्त के साथ बढ़ते यूजर और डिवाइसेस का लोड एक आम राउटर के लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तो राउटर को भी उस हिसाब से पावरफुल होने की जरूरत पड़ रही है, इसीलिए मार्केट में इसकी काफी वैरायटी आ रही है। और अब अगर आपने एक राउटर खरीदना है या अपग्रेड करना है तो इतने ऑप्शन में से आप कौन सा राउटर चूज करेंगे? अगर आपके लिए ये मुश्किल है तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि साइंस स्टूडियो में आज हम आपके लिए यही सब कवर करेंगे और राउटर्स का कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि इनमें क्या फर्क होता है। तो चलें शुरू करते हैं। राउटर आपको 3-4 हजार से लेके 30-40 हजार तक मिल जाते हैं और इससे महंगे भी होते हैं, तो कीमत का इतना फर्क क्यों है और आप बजट में रहते हुए अपना काम किससे चला सकते हैं और किससे काम ना चलने की सूरत में आपको दोबारा खर्चा करना पड़ सकता है, इस सब के लिए राउटर की बेसिक को समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि राउटर ना तो मोडेम है कि जिसमें PTCL वाली फोन की तार लग जाए और ना ही ये ONT है जिसमें फाइबर ऑप्टिक केबल लगे, बल्कि ये इन दोनों डिवाइसेस से इंटरनेट बजरिया केबल या वाईफाई लेकर आगे केबल और वाईफाई के जरिए पहुंचाते हैं। और राउटर के वाईफाई सिग्नल बेसिकली रेडियो वेव्स हैं। ज्यादातर राउटर दो तरह की फ्रीक्वेंसी पर चलते हैं, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़। इसके अलावा हाल ही में 6 गीगाहर्ट्ज़ की भी फ्रीक्वेंसी इंट्रोड्यूस कराई गई है, जो कि फ्यूचर में आने वाले राउटर्स में देखने को मिलेगी, मगर फिलहाल हम अवेलेबल ऑप्शन में इस्तेमाल होने वाली इन दो फ्रीक्वेंसी पर ही फोकस करेंगे। अब राउटर सिंगल बैंड वाले आते हैं जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पर चलते हैं, फिर आते हैं ड्यूल बैंड वाले जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के साथ 5 गीगाहर्ट्ज़ को भी सपोर्ट करते हैं, और ट्राई बैंड के साथ भी आते हैं जो 5 गीगाहर्ट्ज़ के एक और एडिशनल चैनल को सपोर्ट करते हैं। दो फ्रीक्वेंसी लगाने का फायदा ये है कि दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। 5 गीगाहर्ट्ज़ काफी ज्यादा फास्ट है और ये ज्यादा डिवाइसेस को सपोर्ट कर सकती है और ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा डेटा कैरी कर सकती है, मगर ये ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती, इसकी वॉल पेनिट्रेशन भी काफी कमजोर है, जबकि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ दूर तक सिग्नल पहुंचा सकती है और वॉल पेनिट्रेशन में काफी बेहतर है, मगर स्पीड में और डेटा कैरी करने में ये 5 गीगाहर्ट्ज़ से काफी कम है। तो इन दोनों के कम्बिनेशन का ये फायदा होता है कि आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड मिल जाता है, और डिवाइसेस जो कि ज्यादा डाटा मांगती हैं और राउटर के करीबी एरिया में है वो 5 गीगाहर्ट्ज़ पे चल जाती हैं और दूर वाली डिवाइसेस को 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे चला लिया जाता है। और चूंकि ये रेडियो वेव्स हैं तो इनकी आपस में इंटरफेरेंस भी होती है। अब ज्यादातर राउटर क्योंकि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पर चल रहे हैं और इसके अलावा भी बहुत सी डिवाइसेस हैं जैसे कॉर्डलेस फोन, माइक्रोवेव, वायरलेस कैमरा वगैरह, सब 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, तो इसकी वजह से इस स्पेक्ट्रम पर रश होता है और आपको स्पीड इतनी अच्छी नहीं मिलती। जब आप 5 गीगाहर्ट्ज़ पर चले जाते हैं तो आपको एक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम मिलता है जो कि इंटरफेरेंस फ्री होता है और आप बेहतर से बेहतर इंटरनेट चला पाते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक टिप भी देता जाता हूँ, अगर आपका इंटरनेट वाईफाई सही नहीं चल रहा है या कुछ डिवाइसेस पे चल रहा है और कुछ पर नहीं चल रहा, तो आप अपने राउटर के वाईफाई चैनल को तब्दील करके देखें, क्योंकि हो सकता है कि उस चैनल पर रश ज्यादा हो, इंटरफेरेंस ज्यादा हो, इसलिए कुछ डिवाइसेस ना चल पा रही हो। आप अपने राउटर के एडमिन पेज में जाएं, वहां पे वाईफाई चैनल 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के 1 से लेके 11 तक आपको चैनल मिलेंगे। आप डिफरेंट चैनल ट्राई कर सकते हैं और जो आपके लिए बेस्ट वर्क करे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि पुराने जमाने में हम रेडियो को ट्यून करते थे कि किस जगह पर बेस्ट आवाज आ रही है, तो कुछ ऐसा ही सिनेरियो इसमें भी है। खैर, तो अब अगर आपने राउटर लेना है तो सबसे पहले ये देखें कि आपको कितना पावरफुल राउटर दरकार है, कितनी स्पीड हैंडल कर सकता हो। तो वाईफाई के मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि अक्सर आपने देखे होंगे, 802.11, ABGNAX, तो ये आपको बताते हैं कि राउटर कौन से वाईफाई स्टैंडर्ड पर है। तो यहाँ मैंने एक चार्ट दे दिया है, वाईफाई शुरू 1 में B था, फिर A आया, फिर G आया, ऐसे ही अब लेटेस्ट AC और AX स्टैंडर्ड चल रहे हैं जो कि वाईफाई 5 और 6 हैं।
तो इनकी स्पीड स्पोर्ट भी बढ़ती जा रही है। शुरू में वाईफाई 1 जो था वो 11 Mbps के साथ आता था, मगर उसकी एक्चुअल जो स्पीड थी वो 3 Mbps होती थी, इससे ऊपर नहीं जाती थी, क्योंकि ये जो नंबर्स होते हैं ये थ्योरेटिकल होते हैं। ऑप्टिमम कंडीशन में ये अपनी टॉप परफॉर्मेंस ये दे सकते हैं, जो कि रियल लाइफ में इतनी नहीं होती। तो इन सब स्टैंडर्ड्स की मैंने थ्योरेटिकल और एक्चुअल स्पीड का एक चार्ट भी डाल दिया है। आप देख सकते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट कितने स्पीड की है, और आप राउटर के साथ जुड़े इन नामों के साथ भी जज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे AC2100, AX3600, ये भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देते हैं स्पेक्स देखने से पहले, क्योंकि आप देखें कि AC जो होगा वो हमेशा Wi-Fi 5 होगा, AX जो होगा वो Wi-Fi 6 सपोर्ट करता होगा। साथ ही जैसे ये नंबर है, AC2100 को अगर आप लेते हैं तो 2100 का मतलब है कि अराउंड 300 Mbps ये आपको देगा 2.4 GHz पर, और 17-1800 आपको ये 5 GHz पर देगा। AX3600 है तो 3600 जो नंबर है ये 574 2.4 GHz देगा, और 24-2500 के अराउंड ये आपको 5 GHz पर देगा। तो अब आपको देखना ये है कि आपको कितनी स्पीड वाला राउटर चाहिए। पाकिस्तान में ज्यादातर घरों और छोटे ऑफिस में AC राउटर भी एनफ है, क्योंकि ISP आपको इतनी ज्यादा स्पीड नहीं दे रही कि आपको GB में स्पीड दरकार हो, जो कि AX राउटर दे सकता है। मगर अगर यूजर और डिवाइसेस ज्यादा हैं तो फिर आपको महंगे राउटर की तरफ जाना पड़ सकता है। इसके लिए आप अपने लोड के हिसाब से देखें कि राउटर के अंदर रैम और रोम वगैरह कैसी लगाई गई है, जैसे आप मोबाइल परचेज करते हुए देखते हैं, और वाईफाई का कौन सा वर्जन इसमें आ रहा है। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, तो क्या ही बात है। वाईफाई 6 को जो चीजें ज्यादा फास्ट और एफिशिएंट बनाती हैं उसमें सबसे पहले तो है मूव माइमो। ये है मल्टी यूजर, मल्टी इनपुट, मल्टी आउटपुट। इसका फायदा ये होता है कि ये एक साथ मल्टीपल डिवाइसेस को हैंडल कर सकता है। राउटर यूजुअली जो पुराने राउटर थे वो एक चैनल था, उनकी एक रोड थी, उससे वो पैकेट्स भेज रहे थे। अब ये है कि वो बढ़ा के 8 कर दी गई है। वाईफाई 5 में हमें देखने को मिली थी ये टेक्नोलॉजी, लेकिन अप टू 4 डिवाइसेस थी, जिसको अब 8 डिवाइसेस तक कर दिया गया, और बास चिपसेट तो 12 डिवाइसेस को भी हैंडल कर सकते हैं। अब होता यह है कि आप समझ लें कि एक लेन थी या 4 लेन थी जो ट्रैफिक जिस पे जा सकती थी, रोड जो थी तंग थी, अब उसको 8 लेन कर दिया गया, यानी कि काफी ज्यादा जो है आपको जो ट्रैफिक का बहाव देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा इसके अंदर एक और टेक्नोलॉजी है OFDMA, वो भी ऐड कर दी गई है, जिसका फायदा ये होता है कि पहले हर समझ लें ट्रक पे अलग पेलोड जा रहा था, 7-8 पेलोड ने जाना है, अलग अलग ट्रक्स पे जा रहे हैं, यानी क्यू लगता था। अब इसमें ये होता है कि इसको ऑर्गेनाइज करके एक ही ट्रक पे सारा पेलोड डाल दिया जाता है, और वो बर वक्त पहुंच जाता है, और आप ज्यादा से ज्यादा डिवाइसेस हैंडल कर सकते हैं। तो एक साथ भेजकर आप ज्यादा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ज्यादा एफिशिएंटली वाईफाई जो है आपकी डिवाइसेस को मिल जाता है, उनको वेट नहीं करना पड़ता। और ये नई टेक्नोलॉजी वाले राउटर जो है वो काफी अच्छा काम करते हैं जहां पर यूजर और डिवाइसेस का काफी ज्यादा रश होता है, जैसे कि कैफे, एयरपोर्ट, बड़े ऑफिसेस जहां यूजर ज्यादा हैं। लेकिन अगर आपका 10 MB का कनेक्शन है, 4-5 घर के अफराद ने इस्तेमाल करना है, तो आपको किसी ऐसे एडवांस राउटर की तरफ जाने की कतन जरूरत नहीं, जब तक आपके पास स्पीड या यूजर लोड ज्यादा नहीं, तो आप बेसिक राउटर ले सकते हैं। बल्कि अगर आपका मकसद सिर्फ वाईफाई की कवरेज में इजाफा करना है, तो आप वाईफाई रेंज एक्सटेंडर ले सकते हैं। उनका रिव्यू भी हमने कर रखा है, जिसका लिंक मैंने दे दिया है, अगर आप देखना चाहें तो चेक कर लें। और अगर आपकी जरूरत इससे पूरी नहीं होती तो फिर आगे आपके पास क्या ऑप्शन है। तो हमने जो शुरू में सवाल रखा था कि 3000 वाला राउटर भी है, 30000 वाला राउटर भी है, दोनों का बुनियादी काम तो एक ही है, तो इनमें फर्क क्या है। तो जी, फर्क इनमें होता है। मिसाल के तौर पे ये है राउटर 4C। अब ये बेसिक सा राउटर है, इसके अंदर 64 MB रैम है और 16 MB रोम है, तो इस लिहाज से ये बेसिक राउटर है। इसका जो प्रोसेसिंग पावर है वो कमजोर है, चिपसेट भी कमजोर ही है, क्योंकि इसके अंदर 2.4 GHz ही मिलेगा आपको, वाईफाई 4 टेक्नोलॉजी के साथ ही आता है। लेकिन अगर आप कुछ पैसे बढ़ा लेते हैं तो ये है राउटर 4। इसमें आपको रैम और रोम 128 MB मिलते हैं, प्रोसेसर भी ड्यूल कोर 880 MHz के साथ आ जाता है, और इसमें आपको वाईफाई 5 मिल जाता है, और भी बहुत से फीचर ऐड होते हैं, मगर आपको बुनियादी फर्क समझा रहा हूँ। ऐसे ही आप अपना बजट बढ़ा के 16000 के अराउंड कर लेते हैं, तो आप वाईफाई 6 के साथ ये वाला राउटर ले सकते हैं, जो कि CR6608 है, Xiaomi का राउटर है, जिसमें आपको 256 MB रैम मिल जाती है। और इसके अलावा इसकी एक खासियत ये भी है कि ये मैश राउटर है, जिसका फायदा ये होता है जब आपके पास एक बड़ी स्पेस हो और वहां मल्टीपल आप मैश राउटर लगा लें, तो एक बड़ा वाईफाई नेटवर्क क्रिएट हो जाता है, और एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए आप पुराने राउटर से डिसकनेक्ट होकर नए राउटर के साथ कनेक्ट होने के बजाय
एक ही वाईफाई पर रहते हैं और अक्रॉस द प्रेमिसेस आप जो है वो कनेक्ट रहते हैं, और ये राउटर 128 डिवाइसेस को सपोर्ट कर सकता है। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट इससे भी ज्यादा है तो AX3600 जो है 248 डिवाइसेस को हैंडल कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर क्वालकॉम कोर 6 प्रोसेसर लगाया गया है, 512 MB रैम है, इसके अलावा MU MIMO टेक्नोलॉजी, OFDMA, ये सारी की चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। हमारा मुख्तलिफ प्राइस ब्रैकेट रेंज के राउटर दिखाने का आपको यही मकसद है कि आप अपनी जरूरत और राउटर की कैपेबिलिटी को समझ के खरीदारी करें। एक चीज शायद आपने नोट की हो कि मैंने किसी भी राउटर की आपको रेंज नहीं बताई कि ये 50 मीटर करेगा, ये 100 मीटर करेगा, क्योंकि इसका इन्हिसार आपके एनवायरनमेंट पर होता है। दीवारों की मोटाई क्या है, सिग्नल को कितनी रसाई मिल रही है, खिड़कियां कितनी है, तो ये एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट चीज है। मगर आपने कोशिश ये करनी है कि राउटर हमेशा ऐसी जगह लगाएं जहां से आपका घर ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाए। राउटर खरीदने से पहले ये भी देख लें कि आपका करंट राउटर खुली और ऊंची जगह पर हो, ये ना हो किसी कबर्ड वगैरह के अंदर पड़ा हो। तो राउटर खरीदने से पहले उसकी जगह तब्दील करके देख लें, क्योंकि महंगे से महंगा राउटर भी एक हद तक सिग्नल दे सकता है, कोई मैजिक नहीं कर सकता। अब अगर आपने राउटर खरीदने का माइंड बना लिया है तो आपने वीडियो में बताई चीजों का ध्यान रखना है कि वाईफाई स्टैंडर्ड्स क्या है, रैम और रोम क्या है, ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज हो, और थोड़ी सी रिक्वायरमेंट से अबव जाना है, ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना हो कि आपको आने वाले 1-2 सालों में ही राउटर चेंज करने की जरूरत ना पड़े और आप एक लंबे अरसे तक एक अच्छे राउटर को एंजॉय कर सकें। एक और चीज ये कि आपने सिर्फ आउटपुट की तरफ फोकस नहीं करना बल्कि इनपुट की तरफ भी ध्यान देना है। मिसाल के तौर पे ये Xiaomi का राउटर 4 है। अब इसकी वैन पोर्ट 100 Mbps को सपोर्ट करते हैं, जबकि इसकी लैन पोर्ट्स जो हैं वो 1000 Mbps में है, यानी कि गीगाबिट पोर्ट है। ऐसे ही इसके स्पेक्स में आपको 5 GHz पर 867 Mbps दिखाई देगी वाईफाई की स्पीड। अब क्योंकि ये वायरलेस की हद तक तो गीगाबिट राउटर है, यानी कि इसके इनपुट पर भी आप वाईफाई के जरिए गीगाबिट लेवल का जो है वो वाईफाई देते हैं, स्पीड देते हैं, तो ये आउटपुट दे देगा। लेकिन अगर आपने राउटर को लैन के जरिए इनपुट देनी है तो जब इसकी इनपुट ही 100 Mbps होगी तो इसकी ज्यादा आउटपुट होने का क्या फायदा। इसलिए खरीदते वक्त ये ध्यान करें कि इनपुट भी गीगाबिट पोर्ट हो, ताकि आपको मुकम्मल स्पीड मिल सके। तो अगर आपने राउटर खरीदना है तो एटलीस्ट कोशिश करें कि ड्यूल बैंड राउटर खरीदें, ताकि 5 GHz की टेक्नोलॉजी को आप एंजॉय कर सकें। अगर तो आप इनमें से कोई राउटर खरीदना चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, वीडियो आपको कैसी लगी ये जरूर बताया करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, साइनिंग ऑफ साइन।